हमने देखा, बहुत इंस्पायरिंग है। और यू आर रिचली एंडोड, आप में इतनी क्षमता देखने से मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इतना आप। और आपने IIT से क्यों रिज़ाइन कर दिया? सर, मैं हमेशा से बचपन से ही सर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना अच्छा, चाहती थी, IAS बनना चाहती थी सर। हाँ और उसके बाद जब मुझे ये ऑफ़र हुआ स्टेट सिविल सर्विसेज, वैसे काफ़ी टफ डिसीज़न था क्योंकि ग्रुप ए सर्विस को छोड़कर ग्रुप बी सर्विस में आना, लेकिन सर मैं लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या का 1-to-1 निस्तारण करना चाहती सर, तो अच्छा इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ आपका जो डिप्टी कलेक्टर जो का जो ऑफिस है, वहाँ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी मैं SDM टूंडला हूँ फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अभी पंचायत इलेक्शन हमने करवाए, उसके बाद अभी कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी उसके दौरान मेरे पास अच्छा चार्ज अच्छा था, और मुझे बहुत खुशी है, प्राउडली सर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की वजह से या किसी भी वजह से कोई तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई सर। डॉक्टरेट आपने मैनेजमेंट में करी है, जी सर। क्या उसका जिस्ट क्या था ऐसे? सर मेरा टॉपिक था पर्सनालिटी टाइप्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद रोल स्ट्रेस अ स्टडी अमंग पुलिस पर्सनल। तो सर इसमें जो हमारी मेजर फाइंडिंग ये थी कि जो पुलिस पर्सनल हैं यूपी का, हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट पे मैंने सर्वे किया था, तो पुलिस पर्सनल हाई मीडियम स्ट्रेस में हैं। इसमें भी फीमेल जो पुलिस पर्सनल हैं उनके पास उन ज़्यादा स्ट्रेस में है कंपेयर टू उनके मेल काउंटर पार्ट्स के। सर जो लोअर स्ट्रेटा है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, वो ज़्यादा स्ट्रेस में है कंपेरेटिव टू जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं। और जो हमने सर उसको 4 फेज़ में डिवाइड किया था, तो जो फर्स्ट ग्रुप है जिनकी एज कम है वो कम स्ट्रेस में है, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप जो लगभग 10 साल की उन्होंने सर्विस कर ली थी उसके, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अच्छा, में रहे हैं। ट्रिपल तलाक बैन हो गया है, जी सर। फिर भी हो रहा है, आपको मालूम होगा ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी डिफरेंट है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? सर केसेस तो काफ़ी कम हुए हैं जब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक्ट भी पास किया उसके बाद काफ़ी कम केसेस हो गए हैं अभी। लेकिन सर जो अभी थोड़े बहुत जो केस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सेंसिटाइजेशन की कमी है कि लोगों को वो चीज़, और स्पेशली मुस्लिम वेमेन थोड़ा कम एजुकेशन में भी लोअर उसमें हैं, तो सर वो अपने अधिकारों के बारे में उतनी जानकार नहीं है। इसके अलावा सर कहीं ना कहीं ये भी है कि जो निकाह है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसे थोड़ा सा क्रिमिनलाइज जो किया गया है उसकी वजह से भी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं जी है। अच्छा, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बन पा रहा है? इसमें क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं इसमें? सर अभी हमारी जो कंट्री है उसका लिटरेसी रेट काफ़ी वैसे ही कम है। उसके अलावा जो आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सबको अपने पर्सनल लॉस का अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सर वो उसमें आर्टिकल 44 की राह में एक तरह से थोड़ा हिंड्रेंस है। और अभी हमारी सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व नहीं हो पाई है कि अभी काफ़ी लोअर ग्रेड की प्रॉब्लम, अभी हम काफ़ी कल्चरल प्रॉब्लम्स में सर जूझ रहे हैं, जो अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। धीरे धीरे ब्रिक बाई ब्रिक अप्रोच करके हम इसको कर सकते हैं।